नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रेस्टोरेंट जैसा चिकन घर पर ही बनाना सिखाऊंगा। चिकन को मैरिनेट करने के लिए एक बाउल पे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, मिर्च पाउडर, सरसों का तेल मिलाकर चिकन को मिक्स करें। मिक्सर को 10-15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। उतने में हम प्याज थोड़ा बारीक काट लेंगे, थोड़े से टमाटर भी थोड़े से बारीक काट लेंगे। अब गैस पर हम कुकर गरम करने के लिए रख लेंगे। उस पे सरसों का तेल 3-4 चम्मच डाल दें। तेल गर्म होने पर इसमें कटा हुआ प्याज डाल दें। देगी मिर्च पाउडर ताकि कलर अच्छा जैसा बन जाए। थोड़ा सा तेज पत्ता, इलायची, प्याज हल्का भूरा हो जाए तो उसमें कटे हुए टमाटर डाल दें। टमाटर भूनने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। अब इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड कर लें और थोड़ा सा पानी डाल दें। इसको मिक्स करें। देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनने जा रही है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन मिला देंगे और इसको अच्छी सी तरह मिक्स करें। ये देखिए हमारा पूरा मसाला इसमें मिक्स हो गया। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसमें एक चम्मच अरारोट मिलाएंगे ताकि चिकन में गाढ़ापन आ जाए। अरारोट ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसे कम से कम 5-7 मिनट बिना ढक्कन दिए पकाना है। और ये देखिए अब हमारा ये चिकन तैयार हो गया है। अब हम इसको बाउल में डालकर अच्छी तरह से गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्वादिष्ट बन गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।